गुड मॉर्निंग एवरी वन। नाउ इन दिस वीडियो आई हैव टू कंटिन्यू आवर सेकेंड पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव दैट इज़ अ प्रेजिडेंट। इन दिस वीडियो वी हैव टू डिस्कस द पावर ऑफ अ प्रेजिडेंट एंड देयर इज अ लेजिस्लेटिव पावर एंड द एमरजेंसीज ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज मैंशन इन अ वेरी प्रिसाइज मैनर। नंबर फर्स्ट, पावर ऑफ प्रेजिडेंट। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले बोलता है जो प्रेजिडेंट होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन का। और इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं जिसके अंदर जो अपॉइंटमेंट, जो अप्रूवल होती है वो अभी भी प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बिना नहीं होती, ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है अपॉइंटमेंट्स एंड द डिसमिसेस द प्राइम मिनिस्टर। अगर वो चाहता है प्रेसिडेंट अपॉइंट भी प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को और करता है अपॉइंट, अगर वो चाहे, अगर वो कोई मिसयूज़ कर रहे हैं उस पावर का, तो वो उसे डिसक्वालीफाइड या डिसमिस भी कर सकता है उन पर्सन्स को। उसके बाद नंबर थ्री, देर इज़ अपॉइंटमेंट्स एंड द डिसमिसेस ऑफ हाई ऑफिशियल्स। इसमें हाई ऑफिशियल्स का मतलब है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये लोग हाई ऑफिशियल हैं। इनको ये अपॉइंट भी प्रेजिडेंट करता है और डिसमिस भी वही करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे UPSC का अगर कोई बच्चा पेपर क्लियर करता है तो IAS के लिए जब उन्हें बुलाया जाता है ओथ के लिए, तो ओथ के टाइम पर प्रेजिडेंट को वहाँ पर प्रेजेंट होना बहुत एसेंशियल माना जाता है। उसके बाद नंबर फोर्थ पॉइंट, देयर इज़ अ कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। जैसे ड्यूरिंग एमरजेंसी कहीं पे कुछ भी वॉर हो गई या फिर कुछ नेचुरल कैलामिटी आ गई, तो उस वजह से उसमें क्या होगा कि वो वहाँ पे अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल कर पा रही है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट अपना रोल प्ले करेगा और वहाँ पर जाके उस चीज़ों को जैसे कंट्रोल कर सकता है उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। नंबर फिफ्थ, पावर ऑफ एडमिनिस्टर द यूटी। जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं उनको भी एडमिनिस्टर कौन करता है, वो भी प्रेसिडेंट ही करता है। इसके लिए क्या होता है कि जैसे प्रेसिडेंट होता है वो, जैसे कि प्रेसिडेंट सेंटर लेवल पे काम करता है, वैसे ही स्टेट लेवल पे गवर्नर काम करता है। और जैसे प्राइम मिनिस्टर सेंटर लेवल पे काम करता है, वैसे ही चीफ मिनिस्टर स्टेट लेवल पे काम करता है। उसके भी ये होगी हम इसकी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। उसके बाद पॉइंट आता है लेजिस्लेटिव पावर्स का। इसके अंदर क्या होता है, समन द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व लोकसभा। अगर वो चाहे लोकसभा को डिसॉल्व करना है, बंद करना है, ख़त्म करना है पूरी तरह से, तो वो भी वो प्रेसिडेंट ही कर सकता है पार्लियामेंट को समन भिजवा के। और ये राज्यसभा के अंदर 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, MP जिसको बोलते हैं, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 12 फ्रॉम द राज्यसभा। नंबर थ्री, प्रायर सेंक्शन बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द सर्टेन बिल। अगर कोई भी बिल इंट्रोड्यूस करना है, पास आउट करना है, तो प्रेसिडेंट की सेंक्शन बहुत ज़रूरी होते हैं, फॉर एग्जांपल मनी बिल। उसके बाद पॉइंट आता है एड्रेस पार्लियामेंट। जैसे क्या होता है, जैसे एक पार्टी इलेक्शन जीत गई आफ्टर लोकसभा, तो उनकी उसके बाद की जो फर्स्ट मीटिंग अपॉइंट होती है वो भी यहाँ पे प्रेसिडेंट ही रखता है। नंबर फिफ्थ, एसेंट टू द बिल इज़ अ नेसेसरी टू बिकम अ लॉ। उसने यहाँ पे कहा है कि अगर किसी भी बिल को लॉ बनाने के लिए, मतलब किसी भी बिल को, जैसे कोई बिल ड्राफ्ट हुआ उसको एक्ट बनाने के लिए भी, जो इसमें सबसे ज़्यादा एसेंट, जिसकी सेंक्शन चाहिए, वो भी प्रेसिडेंट होता है। बिना प्रेसिडेंट के सेंक्शन के वो काम नहीं कर सकता। उसके बाद आता है पॉइंट टू, इश्यू द ऑर्डिनेंसी। ऑर्डिनेंसी मैंने लेजिस्लेटिव के पार्ट के अंदर एक्सप्लेन किया है। इसके अंदर बोलता है एक टेम्परेरी लॉ होता है, जैसे कि अभी का रिजेंट का एग्जाम्पल है कि लॉकडाउन लगाया गया था कि कोई भी पर्सन बाहर नहीं जाएगा घर से, कोई ये चीज़ नहीं करेगा, सिर्फ एसेंशियल कमोडिटी के लिए जाएगा। तो वो जो लॉ था वो टेम्परेरी लॉ था, एक टाइम के लिए लॉकडाउन लगा, अब वो लॉकडाउन ख़त्म हो गया, वो टेम्परेरी लॉ आएगा। तो जो ये इशू ऑर्डिनेंसेज होती हैं, ये इनको भी इशू प्रेसिडेंट ही करता है। उसके बाद पॉइंट है एसेंट टू स्टेट बिल। अगर स्टेट लेवल के भी जो बिल होंगे, वैसे तो जो गवर्नर स्टेट लेवल पे काम करता है प्रेसिडेंट का, लेकिन गवर्नर को भी उस टाइम पे अगर कोई बिल या कुछ ऐसी कुछ चीज़ पास आउट करानी है, तो उसके लिए सबसे पहले उसे प्रेसिडेंट की सेंक्शन लेनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे आती है इसके बाद फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर क्या क्या है, ग्रांट ऑफ मनी। अगर किसी ने भी गवर्नमेंट से कोई भी पैसा निकालना है या कुछ भी करना है, मतलब मनी की ज़रूरत पड़ेगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से, तो उसके लिए भी अप्रूवल चाहिए यहाँ पे प्रेसिडेंट की। उसके बाद पॉइंट आता है इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल। कोई भी जगह पे अगर मनी बिल इंट्रोड्यूस होना है, वो लोकसभा से पहले यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास जाएगा,
उसके बाद एक पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, कंटिनजेंसीज फंड। यहाँ पे कैसे कुछ वार होगी, कुछ नेचुरल कैलामिटी होगी, तो उस टाइम के ऊपर जो ये पैसे के लिए जो निकाला जाता है पैसा कंटिनजेंसी फंड के अंदर से, उसके लिए भी प्रेजिडेंट की अप्रूवल चाहिए होती है। उसके बाद पॉइंट आता है फाइनेंस कमीशन। एक कमीशन बनाया जाता है हर 5 सालों के अंदर, इसके मेंबर को अपॉइंट्स किया जाता है। वो भी कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, इसके पास प्रेसिडेंट के पास कुछ जुडिशियल पावर हैं। जस्ट नंबर फर्स्ट, टू मॉडिफाई द पनिशमेंट, अगर वो चाहे। जैसे कि अभी रिसेंटली दामिनी केस के अंदर क्या हुआ था, इतने साल का 2012 का केस था वो, तो लास्ट में जाके जब उसको प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दिया था कि डेथ वारंट इशू कर दिए थे, तो जाके उनको डेथ मिल चुकी थी। तो अगर किसी भी केस के अंदर अगर पनिशमेंट को मॉडिफाई करना है तो वो प्रेसिडेंट के पास जा सकता है। नंबर टू, पावर टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, अगर कोई ऐसा कुछ किसी स्टेट को लेके या किसी भी चीज़ को लेकर अगर कुछ ज़्यादा ही वो चल रहा है, झगड़े वगैरह चल रहे हैं, तो उसके लिए भी वो अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कंसल्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है। और प्रेसिडेंट के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलती, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। उसके बाद इसको कुछ मिलिट्री पावर्स हैं, जैसे कि सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया, लेकिन मेन डिसीजन रियल एग्जीक्यूटिव ही लेता होता है। वो सिर्फ इसको कमांड करता है कि हाँ प्रेसिडेंट को कि ये चीज़ तूने अब ऐसे इसका अप्रूवल देना, तो फिर वो उस हिसाब से काम करता है। सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, जैसे कौन सुप्रीम कमांडर होगा वो सब भी प्रेसिडेंट ही देखेगा। डिप्लोमेटिक पावर्स कैसे हैं, जैसे कि अपॉइंट करना, रिप्रेजेंट, जैसे कि हमारा फॉरेन के अंदर अगर हमने किसी को अपना एज ए एम्बेसडर भेजना है, अपॉइंट करना है, किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजना है किसी भी पॉलिटिक्स के लिए, तो फिर वो भी यही प्रेसिडेंट ही यहाँ पे अपॉइंट करेगा। फिर आती है एमरजेंसी पावर, जैसे नेशनल एमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल को यहाँ पे स्टेट एमरजेंसी भी बोला जाता है, और फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल एमरजेंसी। नेशनल एमरजेंसी में क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के अंदर 1965 के अंदर लाल बहादुर शास्त्री थे प्राइम मिनिस्टर, और 1971 में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। इनके इंदिरा गांधी के टाइम में बहुत ज़्यादा लंबी एमरजेंसी लगी थी, और ये नेशनल एमरजेंसी थी जिनके अंदर इन्होंने फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो गए थे, और जो इनकी लाइफ थी लेजिस्लेचर, इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द लेजिस्लेचर इज़ अ वेरी इफेक्टिव। उसके बाद एक पॉइंट आता था, सेंटर गेट्स द पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट, सेंटर के पास पूरी तरह से पावर आ गई थी, वो किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर स्टेट लिस्ट पे जाके वहाँ पे देख सकती थी, वो स्टेट लिस्ट के ऊपर भी जाके इंटरफेयर कर सकती, क्योंकि एमरजेंसी के टाइम हमारे जो दूसरे पहले नॉर्मल नॉमिनल हमें राइट्स मिले होते हैं ऑर्डिनेंसेस, वो हमारे ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी। इस एमरजेंसी में क्या होता है, पहले ये बता दीजिए, स्टेट एमरजेंसी होती है जैसे वैसे स्टेट के अंदर सीएम की चलती है, लेकिन एमरजेंसी के टाइम पे वहाँ पे प्रेसिडेंट की चलती है। और उसके बाद आता है, इसको प्रेसिडेंशियल रूल भी कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी को। फाइनेंशियल एमरजेंसी कैसे होती है, जैसे सैलरीज एंड अलाउंसेज गेट रिड्यूस्ड। फाइनेंशियल एमरजेंसी लगी थी 1990s के टाइम के ऊपर, जब फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे और प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव थे। एग्जैक्टली उन्होंने फाइनेंशियल एमरजेंसी उस टाइम पे डिक्लेयर नहीं की थी, प्रोक्लेम नहीं की थी, बट लेकिन उस टाइम पे फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा इंडिया लॉस में चला गया था, पैसे की बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी, तो इसलिए उसको फाइनेंशियल एमरजेंसी कहा गया। लेकिन और सैलरीज और अलाउंसेज रिड्यूस कर दिए थे तो, बट लेकिन डिक्लेयर नहीं की गई थी ऑफिशियल उस चीज़ को, इसलिए इसको फाइनेंशियल एमरजेंसी कहते हैं। उसके बाद आते हैं कुछ इसकी डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, जैसे कि कुछ इसकी एक्स्ट्रा पावर्स हैं जो इसको दी हुई हैं। व्हेन नो सिंगल पार्टी गेट्स अ मेजोरिटी, किसी भी लोकसभा के इलेक्शंस के अंदर अगर ऐसा होता है कि अगर सभी को कोई भी एक सिंगल पार्टी कोई मेजोरिटी के अंदर नहीं जा सकती, तो फिर एक पार्टी दूसरी पार्टी को बोलेगी तुम सब इकट्ठे मिलकर हम एक पार्टी बना लेते हैं, जिसको क्लॉचिंग गवर्नमेंट कहा जाता है। तो उसके लिए उसमें क्या होता है कि वो सारे एक पार्टी बन के मेजोरिटी के अंदर वहाँ मेंबर इलेक्ट करके उसको प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। उसके बाद आता है व्हेन पीएम आस्क फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस, अगर पीएम को लग रहा है कि ये पार्लियामेंट के हाउस को लोकसभा को ख़त्म करना है डिसॉल्व करना है, तो फिर वो भी प्रेसिडेंट की ही उससे कर सकता है, अप्रूवल से कर सकता है। पावर टू गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द मैटर्स ऑफ गवर्नमेंट, अगर उसको कोई भी मैटर है गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर उसको उसमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो फिर वो भी क्या कहता है वो अपने ही अप्रूवल के बेस पर ले सकता है। ड्यूटी टू कॉल द सेशन ऑफ पार्लियामेंट, अगर उसको ऐसा लग रहा है कि उसको सेशंस वगैरह बुलाने हैं पार्लियामेंट के अंदर,
तो वो भी वो बुला सकते हैं। ग्रांट अप्रूवल का मतलब यहाँ पर यह है कि जो खर्चा है, किसी ने कोई भी खर्चा करना है कंटिन्जेंसी फंड ऑफ इंडिया से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो सबसे पहले अप्रूवल उसमें प्रेसिडेंट की चाहिए। उसके बाद नेशनल रोल मॉडल, प्रेसिडेंट क्या होता है, तो प्रेसिडेंट एक नेशनल रोल मॉडल और एक ग्रेट मोटिवेशनल होता है जो अभी तक के लिए APJ अब्दुल कलाम रहे हैं।